आज हम लोग समझेंगे पॉइंटिंग थ्योरम क्या होता है और इसका डेरिवेशन करेंगे। तो अगर सिंपल लाइन में बात किया जाए तो पॉइंटिंग थ्योरम होता है जब ईएम वेव फ्री स्पेस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती है तो कुछ एनर्जी स्टोर करती है, उस एनर्जी को स्टोर करने का मेथड को ही पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं। ये थ्योरम 1854 में जॉन एच पॉइंटिंग ने डेवलप किया था मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से। तो अब पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट जान लेते हैं। इन यूनिफॉर्म प्लेन वेव एट एनी पॉइंट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इट्स मेजर्ड ऑफ द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो इक्वल टू ई क्रॉस इसे डिनोट किया जाता है। लोग डिराइव कर लेते हैं इससे। इसका मैक्सवेल की चार इक्वेशन थी, उसमें से जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी डी बी बाई डेल बाई डेल टी। फिर है ये है इक्वेशन नंबर वन नाम दे देंगे। फिर इसकी फोर्थ इक्वेशन डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी इक्वेशन नंबर टू नाम दे देंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर टू है इसमें ई से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू ई डॉट जे और ई डॉट डेल बाई डेल टी हो जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक जानते हैं एक वेक्टर आइडेंटिटी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि जो ई क्रॉस एच है इसका ई क्रॉस एच हमारा पॉइंटिंग थ्योरम है। मतलब एन ई पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट मतलब यही जो आया था वही है। इसका जब डेल से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर आइडेंटिटी जानते हैं, पहले एच से एच बाहर जाएगा और ये पहले वाले से क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनस पहला वाला बाहर आ जाएगा अंदर वाले से दूसरे वाले से क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर ये हम लोग को यहाँ पे देखा देखा लग रहा है तो इसको इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आ देंगे और उसको राइट। तो ई एल क्रॉस एच इज इक्वल टू एच डेल क्रॉस ई इज माइनस डेल ई क्रॉस एच हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं इसको जब हम लोग ये इक्वेशन नंबर थ्री को इक्वेशन नंबर फोर में इक्वेशन नंबर फोर को इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा एच डेल क्रॉस ई माइनस डेल ई क्रॉस एच इज इक्वल टू ई डॉट जे इंटू ई डॉट जे डेल बाई डेल टी। इसको इक्वेशन नंबर फाइव कह देंगे। अगर हम लोगों को इक्वेशन नंबर टू को ई से प्रोडक्ट किया है तो इक्वेशन नंबर वन को एच से प्रोडक्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर वन को डॉट प्रोडक्ट एच से करेंगे तो ये हो जाएगा एच डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। इसको एच से करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि ये जो है हमारा इसमें यहाँ पे आया है तो इसको हम लोग पुट कर देंगे और ये इसको हम लोग इसको इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो देखिए कैसे होता है। तो ये हो जाएगा डेल माइनस डेल बाई डी टी डॉट एच माइनस डेल ई क्रॉस एच इक्वल टू ई डॉट एच ई डॉट डेल बाई डेल टी। इसको इक्वेशन नंबर अभी नहीं इसके इस लास्ट नेक्स्ट वाले इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं और इसको लेफ्ट ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी एच माइनस ई जे प्लस माइनस ई डेल डी बाई डेल टी इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। अब ये देखिए इसको हम लोग और हम लोग जानते हैं बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है और डी क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट है एप्सिलॉन नॉट ई होता है। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर सिक्स में पुट कर देंगे। तो देखिए पुट करते हैं तो क्या आता है। तो हमारा था एच डेल बी में तो एच की डी की वैल्यू म्यू बाई एच डाल देंगे तो ये हो जाएगा। फिर माइनस ई जे था तो ई जे ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर इस माइनस ई डेल डी के बाद हमने बताया था एप्सिलॉन नॉट ई होता है तो ये डी टी हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा डेल क्रॉस ई क्रॉस एच। अब हम लोग डेल ई क्रॉस एच को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और इसको सब उधर भेज देते हैं और इसमें म्यू बाहर आ जाएगा और ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा एल एच डेल एच बाई डेल टी और ये ई जे और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेते हैं ई डॉट डेल ई बाई डेल टी। तो हम लोग अगर देखिए इधर से देखिए आप लोग अगर एच वेक्टर को का एच वेक्टर से डिफ्रेंशिएशन लेते हैं तो हमारा एच पहला वाला ऐसे लिखा और दूसरा डेल एच बाई डेल टी रहेगा
और फिर ये इसको इसका करेंगे तो ये एच ऐसे लिखा रहेगा, डेल एच बाई डेल टी हो जाएगा, और इसके बाद प्रोडक्ट होगा डॉट प्रोडक्ट, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा और स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल एच बाई डेल टी। तो हमारा एच डेल एच बाई डेल टी की वैल्यू हो जाती है 1/2, ये 2 इधर आ जाएगा, डेल एच स्क्वायर बाई डेल टी। तो सिमिलरली ये हम लोग ई के साथ भी कर सकते हैं, ई डॉट ई का, तो ई डॉट ई का हो जाएगा डेल ई बाई डेल टी स्क्वायर डेल टी अपॉन 1/2 इक्वल टू ई डॉट डेल ई बाई डेल टी। तो ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इसमें और इसमें, तो ये देखिए डेल ई क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस म्यू, और इसकी वैल्यू हमारी क्या है, इसकी वैल्यू एच डॉट की क्या है, 1/2 डेल एच स्क्वायर बाई डेल टी माइनस ई डॉट जे एप्सिलॉन टाइम, ये ई है, एप्सिलॉन टाइम क्या डेल डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी, ये हाफ। तो अब इसको थोड़ा हम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं, दोनों तरफ इसको ऐसे ही पढ़े रहने दीजिए, इस इक्वेशन को हम लोग 7 नाम दे देते हैं, इसका हम लोग दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो ये डेल ई क्रॉस एच इक्वल टू डेल वी म्यू नॉट टाइम्स 1/2 डेल एच स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर इंटू डेल वी, और ये ई डॉट ई इंटू डेल वी माइनस ई नॉट टाइम्स 1/2 ई स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर, इसको भी डी वी। और हम लोग गॉस लॉस जानते हैं, गॉस लॉ क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में चेंज करता है और वॉल्यूम को सरफेस में। तो सर ये होता है ए डॉट डी एस इज इक्वल टू डेल ए इंटू डेल वी, तो ये ई क्रॉस एच जो है ये यहाँ पे जाएगा और डी एस में चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा ई क्रॉस एच ये डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सिस्टमेटिक से पहले लिखते हैं, ई डॉट जेड माइनस इसको ई डॉट जेड डी वी माइनस उसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो डेल डेल वाई डी टी, तो ये हमारा और इंटीग्रेशन, तो ये नहीं कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इज इक्वल म्यू नॉट एच स्क्वायर बाई टू प्लस ई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई स्क्वायर बाई टू इसका डेल वाई बाई डेल टी। तो यही हमारी इक्वेशन थी, तो हैंस प्रूव्ड।